नोटिस जारी किया है। बसपा विधायकों के दल बदल के मामले में हाईकोर्ट की तरफ से यह नोटिस दिया गया है। न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने नोटिस जारी किया है। विधानसभा स्पीकर, सचिव और बसपा विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की, बीएसपी के विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर यह नोटिस, न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर मदन दिलावर की तरफ से, जो बीजेपी विधायक हैं, सवाल खड़े किए गए हैं। इससे पहले भी कोर्ट का रुख उन्होंने किया था और अब एक बार फिर से हाईकोर्ट पहुंचे हैं। तो वहीं अब बसपा विधायकों के दल बदल के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है और जो नोटिस जारी हुआ है वो न्यायाधीश महेंद्र गोयल की तरफ से, उसमें विधानसभा स्पीकर हैं, सचिव और बसपा विधायक जो पूर्व में रहे हैं उन्हें यह नोटिस जारी हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, विधायकों के दल बदल मसले को लेकर अब हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी हुआ है। बसपा विधायकों के दल बदल के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यहां पर न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में विधानसभा स्पीकर, सचिव और बसपा विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। महेश पारिक जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। महेश, क्या कुछ इस नोटिस में? देखिए, जो बसपा की याचिका थी उस पे ये नोटिस हुए हैं। विधानसभा स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष को, सचिव को और जो छह जो बसपा के विधायक है जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनको ये नोटिस जारी हुए हैं। 11 अगस्त तक उनको जो है रिप्लाई पेश करना हाईकोर्ट में। वहीं जो मदन दिलावर की याचिका है उस पर कोर्ट में बहस जारी है। जी, आखिर किस तरीके का नोटिस में सवाल पूछे गए हैं और इसके लिए जवाब देने के लिए कितना वक्त यहां पर दिया गया है? बसपा की तरफ से इस नोटिस को लेकर क्या कुछ जो है कोर्ट के सामने अपनी याचिका में कहा गया था? देखिए, जो बसपा की याचिका है उसका यही कहना है कि जो बसपा एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी है, अगर उसका किसी दूसरी पार्टी में विलय होना है तो वो राष्ट्रीय स्तर पर ही हो सकता है। कोई छह विधायक जो है वो उस तरह का विलय नहीं कर सकते पूरी पार्टी के बिहाव पे। अगर विलय होना है तो राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है। ऐसे में जो विलय की कार्रवाई हुई है यहाँ पे राजस्थान में वो अवैध है, इसलिए जो स्पीकर का आदेश है उसको रद्द किया जाए। साथ ही साथ जो छह विधायक है उन पर दल बदल की कार्रवाई की जाए। जी महेश, इससे पहले मदन दिलावर की जो याचिका है उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मदन दिलावर की तरफ से अब कोर्ट के सामने अपनी याचिका में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, जो पहले याचिका थी वो केवल यही याचिका थी कि जो स्पीकर है वो मामले पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। 4 मार्च से उनके जो शिकायत याचिका है वो स्पीकर के सामने लंबित है, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने आया कि 2 दिन पहले ही स्पीकर उसको खारिज कर चुके हैं। इस पर कोर्ट याचिका वापस ले ली गई और नए सिरे से याचिका दायर करने की छूट दी गई थी कोर्ट ने। ये याचिका पुनः दायर की गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो स्पीकर है उन्होंने आनन फानन में जो है याचिका खारिज करी है, उसमें जो मदन दिलावर है उनका पक्ष नहीं सुना गया पूरी तरीके से, यहाँ तक कि बसपा विधायकों को नोटिस तक जारी नहीं हुए, ये सब उस मामला उठाया गया है। बहुत शुक्रिया महेश इस तमाम जानकारी के लिए। महेश पारिक जी मीडिया संवाददाता जानकारी यहां पर देते हुए, बसपा विधायकों के दल बदल के मामले में नोटिस यहां पर अब हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने ये नोटिस यहां पर जारी किया है। दरअसल इससे पहले बीजेपी विधायक मदन दिलावर की तरफ से बसपा के विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर सवाल उठाए गए थे। उसके बाद कोर्ट ने जहां याचिका को खारिज कर दिया था, तो वहीं अब बसपा की तरफ से इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है, जिसके बाद अब नोटिस यहां पर जारी किया गया है विधानसभा स्पीकर को। इसके अलावा बसपा के जो तमाम विधायक रहे उन तमाम विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल मदन दिलावर की तरफ से याचिका एक बार फिर से लगाई गई है, उस पर सुनवाई इस वक्त कोर्ट में चल रही है और नोटिस यहां पर जारी कर दिया गया है। बसपा की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उसे लेकर हाईकोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। दरअसल राजस्थान के अंदर जो सियासी पारा है वो लगातार चढ़ा हुआ है। एक तरफ स्थिति ये कि टकराव के हालात गहलोत गुट और पायलट गुट के बीच में, विधानसभा का सत्र बुलाया जाना है और वहीं लगातार बसपा के विधायकों के विलय के मसले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा